हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल गैलेक्सी। हम कर रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 6, दैट इज कम्बशन एंड फ्लेम। पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम पार्ट 2 के तीन टॉपिक्स हैं, व्हाट इज फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम एंड व्हाट आर फ्यूल्स, इन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज फ्लेम। फ्लेम होती क्या है? सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो कम्बशन शो करते हैं। अब हमें पता है कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस वही होते हैं जो कम्बशन शो करते हैं, मतलब कि जो जलते हैं। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्लेम के साथ जलते हैं। अब एक खास बात याद रखने की ये है कि जितने भी गैसियस कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे ही फ्लेम के साथ जलते हैं। सो ऑल द गैसेज विच अंडरगो कम्बशन बर्न विद अ फ्लेम। सारी ही गैसेज जो भी कम्बशन शो करती हैं वो फ्लेम के साथ जलती हैं। जबकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में ऐसा नहीं है। सॉलिड और लिक्विड जो भी कम्बशन शो करते हैं उनमें से सिर्फ ऐसे सॉलिड्स या फिर सिर्फ ऐसे लिक्विड्स जो कि वेपोराइज होते हैं, मीन्स जलते जलते खत्म होते जाते हैं, सिर्फ वही फ्लेम शो करते हैं। अदरवाइज वो कम्बशन तो शो करेंगे लेकिन फ्लेम के साथ नहीं बर्न होते। सो ओनली दोज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विच वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विद अ फ्लेम। सिर्फ वही सॉलिड्स और लिक्विड्स जो वेपोराइज होते हैं हीटिंग के साथ, वही फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वैक्स या फिर वुड को जलाते हैं तो वो टाइम के साथ खत्म होते जाते हैं, मीन्स वो वेपराइज होते जाते हैं, इसीलिए वो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। जबकि अगर हम बात करें कोल या फिर कोक की, तो जब हम उन्हें जलाते हैं तो वो खत्म नहीं होते टाइम के साथ, वो वेपराइज होते ही नहीं है, इसीलिए उनमें हमें फ्लेम देखने को नहीं मिलती जब हम उन्हें बर्न करते हैं। अब बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का कलर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? हमने आग कितने कलर्स में देखी है, येलो भी होती है, ऑरेंज सी भी लगती है और ब्लू कलर की भी होती है, है ना? बेसिकली फ्लेम के टू कलर्स होते हैं, वो भी कुछ रीजंस की वजह से। एक इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से और दूसरा कम्प्लीट कम्बशन की वजह से। अब देखते हैं आखिर इनकम्प्लीट और कम्प्लीट कम्बशन होते क्या है। तो जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, इनकम्प्लीट कम्बशन मीन्स यहाँ पे कम्बशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा कम्प्लीट तरीके से, इसीलिए वो इनकम्प्लीट है। तो जो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो इनसफिशियंट होता है, मतलब पूरा ऑक्सीजन फ्यूल को नहीं मिल पाता, इसी कारण वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो येलो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स इनकम्प्लीट कम्बशन में फ्लेम का कलर क्या होता है, येलो कलर। तो इसे अगर हम कुछ पॉइंट्स में लिखना चाहे तो हम यूं लिख सकते हैं, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, इनसफिशियंट होती है, दैट इज वाई फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली। इसीलिए जो फ्यूल होता है, फ्यूल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इसको हम सिंपली सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, या जो भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस है वो इनकम्प्लीटली बर्न होता है, वो प्रॉपर तरीके से पूरा बर्न नहीं हो पाता अच्छे से, दैट इज वाई इट प्रोड्यूस येल्लो फ्लेम, इसीलिए वो येल्लो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि येल्लो फ्लेम किस टाइप के कम्बशन में निकलती है, तो इनकम्प्लीट कम्बशन में येल्लो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अब सेम इसका ऑपोजिट हम कम्प्लीट कम्बशन में लिख सकते हैं। यहाँ पर इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन था, तो कम्प्लीट कम्बशन में जो फ्यूल है वो प्रॉपर तरीके से बर्न होगा, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्यूल को मिल जाएगी। सेकेंडली जो फ्यूल है वो प्रॉपर कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा। और थर्ड, यहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है कम्प्लीट कम्बशन में वो होती है ब्लू फ्लेम। सो अब अगर हमें इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट कम्बशन के बीच में डिफरेंस लिखने हो तो भी हम लिख सकते हैं इजिली यही तीनों पॉइंट्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम जो है वो थ्री जोन्स में डिवाइडेड है, इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम बना के भी देखेंगे, उसकी नेमिंग भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये तीनों जोन्स होते क्या हैं।
तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट जोन होता है वो होता है जोन नियर विक ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो जो उसकी बत्ती होती है जहां से आग जलती है वो जोन होता है इनर मोस्ट जोन। ये जोन ऑफ अनबर्नड वैक्स भी होता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो अनबर्नड होते हैं, पूरी तरीके से जले हुए नहीं होते। ब्लैक कलर का होता है जनरली ये, इसीलिए इसको डार्क जोन भी कहा जाता है। और जो इनर मोस्ट जोन है वो लीस्ट हॉट जोन होता है, मीन्स सबसे कम गर्मी जो है वो इनर मोस्ट जोन में ही होती है। तो इनमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं जैसे कि विच जोन इज नोन एज डार्क जोन, तो इनर मोस्ट जोन को ही डार्क जोन कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जोन जो है फ्लेम का वो लीस्ट हॉट होता है, तो वो भी इनर मोस्ट जोन ही लीस्ट हॉट जोन होता है। अब मिडल जोन की अगर हम बात करें, जोन इन द मिडल ऑफ फ्लेम, फ्लेम के मिड में जो जोन होता है उसे मिडल जोन कहा जाता है। ये जोन मॉडरेटली हॉट होता है, ना तो ज्यादा ही गर्म होगा और ना बहुत कम गर्म होगा, मीडियम ये गर्म होता है। येलोइश इन कलर, इसका जो कलर है मिडल जोन का वो येलो कलर का होता है। ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन, हमने पढ़ाई कि इनकम्प्लीट कम्बशन के कारण जो फ्लेम है वो येलो कलर की हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे मिडल जोन में इनकम्प्लीट कम्बशन होता है जिसके कारण फ्लेम का कलर येल्लो शो होता है हमें। ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनस जोन, मिडल जोन को ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। नाउ आउटर मोस्ट जोन, आउटर जोन ऑफ फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन फ्लेम का आउटर जोन होता है और सबसे हॉटेस्ट होता है। इनर मोस्ट मिनिमम हॉट होता है, मिडल जोन मॉडरेटली हॉट एंड आउटर मोस्ट जोन जो है वो हॉटेस्ट होता है। तीनों में से सबसे ज्यादा गर्म आउटर मोस्ट जोन ही होता है। जोन ऑफ कम्प्लीट कम्बशन, आउटर मोस्ट जोन में कम्प्लीट कम्बशन होती है जिसके कारण फ्लेम का कलर ब्लू दिखता है, ब्लूइश इन कलर, ऑल्सो कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन, इसे नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है। अब अगर हमें इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन तीनों में डिफरेंस करने को बोला जाए तो इन्हीं पॉइंट से हम इजिली बना के लिख सकते हैं। अब हम कैंडल पर फ्लेम का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं और इसकी नेमिंग देखते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बनाने को आता ही है। और अब क्योंकि हमने इनर मोस्ट, मिडल जोन और आउटर मोस्ट जोन तीनों के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, तो इनकी नेमिंग करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले नेमिंग स्टार्ट करते हैं नीचे से। हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम शो करने के लिए कैंडल लिए तो कैंडल लिख देंगे। अब ये वाला है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नड वैक्स, जो कि होता है ब्लैक इन कलर। अब हमें ये भी पता है कि इनर मोस्ट जोन ही मिनिमम हॉट जोन यानी के लीस्ट हॉट होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख देंगे लीस्ट हॉट। हम चाहें तो इधर उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इजीली याद करने का तरीका है कि इस साइड हम इनर मोस्ट जोन कौन सा जोन है वो लिखेंगे और इस साइड कौन कितना हॉट है वो लिखते जाएंगे। नाउ इनर मोस्ट जोन के बाद आता है मिडल जोन, और यहाँ पे क्योंकि पार्शियल कम्बशन होती है, इनकम्प्लीट कम्बशन होती है, तो हम लिख देंगे मिडल जोन ऑफ पार्शियल कम्बशन, जो कि होता है येलो इन कलर। नाउ सेम लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट, तो हम लिख देंगे मॉडरेटली हॉट। नाउ सबसे टॉप पे जो होता है आउटर मोस्ट जोन, जहां पे कि कंप्लीट कम्बशन हो जाती है, तो हम लिखेंगे आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन, जो कि ब्लू इन कलर होता है, और हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम भी यही होता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। याद करने का तरीका बिल्कुल इजी है, अगर हमें इनर मोस्ट, मिडल जोन और आउटर मोस्ट जोन तीनों में डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम इस कैंडल के बाद इनकी नेमिंग बड़े ही इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो कैंडल, फिर एक साइड हम जोन लिखते जाएंगे इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनर मोस्ट जोन में अनबर्नड होती है वैक्स, मिडल जोन में पार्शियल कम्बशन होता है मींस इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, एंड आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कम्बशन हो जाता है। इसके बाद हमें कलर भी याद रखने हैं कि इनर मोस्ट जोन में ब्लैक, देन मिडल जोन में येलो एंड आउटर मोस्ट जोन में ब्लू कलर। उसके बाद इनर मोस्ट जोन लीस्ट हॉट होता है, मिडल वाला मॉडरेटली हॉट एंड आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब देखते हैं फ्यूल्स क्या होते हैं।
सो व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स की डेफिनेशन हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़ी थी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की. यस, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर ऑल्सो नोन एज फ्यूल्स. फ्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि एयर की प्रेजेंस में बर्न होके हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम फ्यूल्स कहते हैं. सो सब्सटेंस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव आउट हीट एंड लाइट आर कॉल्ड फ्यूल्स. टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. नेम से ही इजीली पता चल रहा है, ऐसे फ्यूल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं उन्हें सॉलिड फ्यूल्स कहा जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उन्हें लिक्विड फ्यूल्स, एंड जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें गैसियस फ्यूल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वुड एंड काउडंग सॉलिड फ्यूल्स हैं, पेट्रोल डीजल लिक्विड एंड सीएनजी एलपीजी आर गैसियस फ्यूल्स. अब एक टर्म आती है आइडियल फ्यूल. आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल मीन्स ऐसी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम चाहते हैं कि सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर हो, जो भी हम चाहते हैं, तो वो एक आइडियल चीज बन जाती है. अगर हम फ्यूल की बात करें तो आइडियल फ्यूल किसे कहा जाएगा? अगर हम सोचें कि फ्यूल के लिए हम ऐसी क्या प्रॉपर्टीज चाहते हैं जो किसी एक फ्यूल में हो, सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम चाहते हैं किसी भी एक अच्छे फ्यूल में हो. किसी भी एक फ्यूल में अगर ये कंडीशंस होंगी तो हम उसको एक आइडियल फ्यूल कह सकते हैं. जैसे कि इजीली अवेलेबल, ऐसा फ्यूल भाई इजीली मिल जाए, ऐसा ना हमें उसके लिए भागा दौड़ी करनी पड़े और बहुत ही मुश्किल से मिल पाए. चीप होना चाहिए वो, बर्न इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, इजिली एयर में बर्न हो जाए मॉडरेट रेट पे. ये भी नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए या बिल्कुल स्लोली स्लोली वो जल रहा है, एकदम मॉडरेट रेट पे वो एयर में बर्न हो जाए. प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जब वो हीट प्रोड्यूस करे तो वो बहुत सारे अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में करे ताकि हमें कम फ्यूल खर्च करना पड़े. बर्न्स इजिली, इजिली बर्न हो जाए. डज नॉट लीव एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस जैसे कि मैग्नीशियम रिबन से लास्ट में एशेस बचती है, राख बचता है, तो आइडियल फ्यूल ऐसा कि वो जलने के बाद लास्ट में कुछ भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ना छोड़े. तो ऐसा सब्सटेंस जो इन सारी प्रॉपर्टीज हो जिसके अंदर, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक आइडियल फ्यूल है. लेकिन एक्चुअल में, रियल लाइफ में ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हो, कि वो चीप भी हो, इजीली अवेलेबल भी हो, लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करता हो. लेकिन इनमें से ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर हो. तो ऐसे फ्यूल्स जिसमें इनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे ही हम एक गुड फ्यूल या फिर आइडियल फ्यूल मान लेते हैं. ओके, बस इतना ही था आइडियल फ्यूल का. अब देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है. फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब फ्यूल जो है हमारा वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना कामगार है, वो कितना काम हमें दे पा रहा है. तो फ्यूल एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू से, मेजर्ड बाय कैलोरीफिक वैल्यू. अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फ्यूल, अगर हम उसको 1 kg बर्न करें, 1 kg फ्यूल बर्न होने के बाद जितनी हीट प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू. सो कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल. 1 kg ऑफ फ्यूल जब कंप्लीट बर्न हो जाता है और उसमें से जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है, जिससे उस फ्यूल की फ्यूल एफिशिएंसी मेजर करी जाती है. कैलोरीफिक वैल्यू की SI यूनिट होती है किलो जूल पर kg. मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है इन जूल्स, किलो जूल्स में वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है 1 kg ऑफ फ्यूल. अब देखो बच्चों, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगी. और हम चाहते क्या है फ्यूल से, कि वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करे. तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वो प्रोड्यूस करेगा उतनी ही ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी. इट मींस उतना ही ज्यादा वो फ्यूल एफिशिएंट होगा, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी. मतलब ऐसे फ्यूल्स जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है उन्हें ज्यादा अच्छा फ्यूल माना जाता है. अब हमारा लास्ट टॉपिक है बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स. जो अभी हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा, आइडियल फ्यूल के बारे में पढ़ा, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा,
हमने ये देखा कि फ्यूल जो है वो जलते हैं, लेकिन जब वो जलते हैं तो वो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उनके बारे में देखते हैं। कुछ फ्यूल्स जैसे कि वुड, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारे हवा में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं जलने के बाद, जिससे वो एयर में मिक्स होकर एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। मीन्स इन सब फ्यूल्स के जलने से एयर पॉल्यूशन होता है, जिससे कई रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो जाती है। अगर हम गंदी एयर को, पॉल्यूटेड एयर को रेस्पिरेट करेंगे, सांस लेंगे उससे, तो हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमें कई बीमारियां हो सकती है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। कुछ कार्बन फ्यूल्स जब जलते हैं तो वो इनकम्प्लीट कम्बशन करते हैं। मीन्स उनका जो कम्बशन है वो कम्प्लीट नहीं हो पाता, और इनकम्प्लीट कम्बशन के कारण वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। अगर थोड़ी भी अमाउंट में कोई पर्सन इसे इनहेल कर ले तो वो एट द टाइम उसकी डेथ हो सकती है। इतनी पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता रहता है, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। कोल एंड डीजल की बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और बर्निंग ऑफ पेट्रोल से नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जब ये गैसेस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो ये एसिड रेन प्रोड्यूस करती है। एसिड रेन जो कि बहुत ही हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट, इन सब के लिए बहुत ही हानिकारक है एसिड रेन, जो कि प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ फ्यूल के कारण ही। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो कि रेन वाटर के साथ मिक्स होकर वापस से अर्थ पे गिरती हैं और बहुत ही सारी चीजों को नुकसान पहुंचा देती है। जो हमारा एक फेमस मॉन्यूमेंट है ताजमहल, जो कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, एसिड रेन के कारण उसके व्हाइट मार्बल जो है वो येलोइश कलर के हो चुके हैं। तो ये सारी हार्मफुल प्रोडक्ट्स थे जो कि बर्निंग ऑफ फ्यूल के कारण प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो सीएनजी है उसको सबसे क्लीनर फ्यूल माना जाता है। ये बहुत बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए आजकल काफी व्हीकल्स को चलाने में सीएनजी का यूज किया जाता है, जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो और हम फ्यूल्स को अच्छे से यूज भी कर पाए। तो ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इसी को पढ़ते रहिए। बाय बाय।